कि मैं भी जिन मंदिर बनाऊं उसके लिए मेरे कौन से पुण्य का उदय होगा। जब मेरी ये भावना पूरी होगी और भावना पूरी करने के लिए कुछ त्याग करना चाहती हूँ, तो ऐसा कौन सा त्याग करूँ जिससे मेरी ये भावना जल्दी पूरी हो सके, समाधान करें। एक बार आपको मौका दिया गया था लेकिन आपने नहीं बनाया, दिया गया था, आप बना सकते थे, आप समर्थ थे, आपके पास पैसा था, आपके सामने बन रहा था, लेकिन आपने नहीं बनाया। तो कर्म ने कहा इसको अब इस युग कर दो कि ये बनाने लायक ही नहीं रहे। सुन रहे हो ना ललितपुर वालों, जो बहुत अच्छा प्रश्न है, जो अच्छा कार्य तुम्हारे सामने हो रहा हो और तुम समर्थ हो, जैसे मान लो मंदिर हो रहा है, मंदिर बनाने में आप समर्थ हैं, कोई बाधा नहीं है, बना सकते, फिर भी नहीं बना रहे हो, तो समझ लेना कर्म तुम्हें उस पोजीशन पर ला देगा कल तुम बनाने लायक भी। एक दिन हमने इस पर डिटेल पर प्रश्न दिया था, तुम भगवान का अभिषेक कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है, फिर भी नहीं कर रहे हो, कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा करेगा कि तुम अभिषेक करने लायक ही नहीं रहोगे। सब चीज में ही डालना, आज तुम स्वाध्याय करने लायक हो, स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, एक दिन ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम स्वाध्याय करने लायक ही नहीं रहोगे, समझ ही नहीं रहेगी। आप पंच कल्याणक कर सकते हैं, पंचकल्याण बैठ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, आप इंद्रनारायण भी बन सकते हैं, आप यज्ञ नायक भी बन सकते हैं, आप देव भी बन सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बन रहे यूं? कई लोग तो इसलिए नहीं बन रहे कि भाई मेरे पास समर्थ नहीं है, मेरे घर की अनुकूलता नहीं है। कितने परसेंट लोग हैं जो पंचकल्याणक में कोई ना कोई इंद्र बन सकता है, सामान्य तो बन ही सकता है, फिर वो किस कारण से नहीं बन रहे हैं? पर्पस बताना तुम्हें, यूं नहीं बन रहे हैं बस महाराज जी, बन तो सकते हो कि नहीं? हाँ बन सकता हूं महाराज, लेकिन मन नहीं हो रहा है। इनकी संख्या ज्यादा है कि जो मजबूरन नहीं बन पा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है? यूं नहीं बन रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है कि जो मजबूरन नहीं बन पा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है? हाँ यूं नहीं बन रहे उनकी संख्या ज्यादा है। सुबह अभिषेक करने यूं नहीं आ रहा है उनकी संख्या ज्यादा है कि मजबूरी में नहीं आ रहा है उनकी संख्या? यूं नहीं आ रहा है, यूं वालों की संख्या ज्यादा है। मैंने पूरा इस पर थीसिस किया, 90% तुम लोग जो धर्म के कार्य हो कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन यूं नहीं कर रहा। जो यूं नहीं करेंगे उनके लिए हिदायत है, कर्म का रहस्य बता रहा हूं, यूं नहीं, कोई कारण से नहीं कर रहा, मजबूरी है, नहीं बन सकते हैं, कोई परिस्थितियां हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं, इतना गरीब है बेचारा, 5,000 रुपया भी देने लायक नहीं है, तब वो नहीं बन रहा है, उसके लिए नहीं कह रहा हूं। इतनी कोई समस्या नहीं कि मैं कोई ना कोई इंद्र पद प्राप्त ना कर सकूं, कोई नहीं कर सकूं, फिर भी मन नहीं हो रहा है, भाव नहीं हो रहा है, बस इनके लिए हिदायत है, नोट कर लेना, एक दिन कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि तुम उस कार्य के करने लायक ही नहीं रहोगे। या तो कुल बदल देगा, जाति बदल देगा, बीमार कर देगा, दरिद्र कर देगा, विकलांग कर देगा, कोमा में भेज देगा, पैरालिसिस हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम उसके लायक नहीं रहो। क्योंकि जब तुम लायक थे तो तुमने कहा यूं हमें नहीं बनना है। इसलिए पूज्यवर कुंदकुन स्वामी की जो प्रातःकाल मैंने पंक्ति की थी, कुंदकुन ने सबसे बड़ा जोर दिया, जम सकई तुम की रही, यदि कर सकते हो तो छोड़ना मत, छोड़ना नहीं, कर सकते हो तो करना, हम कर सकते हैं तो करना, आपका दिन दूना रात चौगना विकास होगा। नमोकार मंत्र पढ़ने से हो या कोई नियम नहीं है, लेकिन आज मैंने कहा था, आज ही कहा था ना, अपनों के लिए कभी शक्ति मत छुपाना, असमर्थ नहीं होना, अपनों के लिए सुख देने के लिए कहना नहीं मेरा सब कुछ निछावर है, धर्म कार्य में शक्ति को नहीं छुपाना, शक्ति है तो करना है।
और उसी परिणाम है कि तुम्हारी शक्ति थी और तुमने नहीं किया, आज तुम्हारे भाव हो रहे हैं लेकिन शक्ति नहीं है, ये उसी यूं का अभिशाप है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए।